मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के पहले कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट करके अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया, जिसकी संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी निंदा की। उन्होंने राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होने के बाद सदन में इस विषय को उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर पटवारी को राज्यपाल के अभिभाषण का पता कैसे चला, ये तो गोपनीय होता है, या फिर उन्होंने बिना पढ़े ही इसका विरोध कर दिया। नेता प्रतिपक्ष को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रार्थना करनी थी माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से एक दिशा भी चाहिए थी, सूचना ये थी कि, और उसको सभी सम्मानित सदस्यों से मेरा निवेदन है कि कांग्रेस या भाजपा की दृष्टि से न देखें। संयोग की बात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी सर्वोच्च सदन में संसदीय कार्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, उनके दल के एक विधायक पटवारी जी ने ट्वीट करके महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहिर्गमन किया अथवा विरोध दर्ज किया। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी सी है कि ये परंपरा अगर शुरू हुई, राज्यपाल का एक गरमामय स्थान है, जिस तरह से जुलूस आता है, यादों में रहता है वो, ये आज का दिन अगर ये ट्वीट करने की परंपरा प्रारंभ हुई तो क्या बहिर्गमन फिर आगे से मोबाइल पर ही होंगे, ट्विटर पर ही होंगे? इस पर मैं तो चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष जी को इस बारे में कुछ ना कुछ कहना ही चाहिए। मैंने इसलिए उनसे प्रार्थना भी की कि सदस्य अगर ट्वीट करके गवर्नर के एड्रेस का विरोध करता है, एक संवैधानिक व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सदन की अपनी एक गरिमा है, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको ताकत तो आपसे मिलती है, आसंदी से जब ताकत मिलती है तो उसका विरोध करने का जो जो तरीका अख्तियार किया गया अध्यक्ष महोदय, मैं ये मानता हूं कि ये निंदनीय है, और इसके ऊपर कुछ नेता प्रतिपक्ष जी को ये बात आगे बढ़े उसके पहले स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए, और आसंदी की व्यवस्था आना ही चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने ट्वीट, एक आखिरी बात, ये उन्होंने अभिभाषण का बहिष्कार किया तो अभिभाषण उन्हें मिला कहां से, प्राप्त कहां से हुआ, विरोध किया तो कहां से मिला, और किस पॉइंट का विरोध किया? जो सार्थक बहस यहां पर होती है पक्ष विपक्ष की, उसकी भी एक मर्यादा गरिमा होती है, यहां बोलते हैं अभिभाषण के बीच में बोलते हैं, बाद में बोलते हैं जो चल रहा है, लेकिन उन्होंने प्राप्त कहां से किया, जिसका उन्होंने विरोध किया, यह जरूर चाहता हूं माननीय अध्यक्ष।